तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस हैं, नाम से पता लग रहा है, लाइनें हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सपोज करो, मान लो ये दीवार पॉजिटिव है, ये दीवार नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ एक चार्ज लिया क्यू, तो छोड़ दिया, या तो ये चार्ज उस दीवार पे चिपक जाएगा या उधर जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई दीवार तो इसे अट्रैक्ट करेगी और कोई तो रिपेल करेगी, ठीक है यहाँ तक? तो इसका मतलब कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तभी तो चार्जेस हैं और तभी तो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज पे फोर्स लग रही है। फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है। तो अब मुझे कमरे में फील्ड दिख तो रहा नहीं, मुझे तो खाली दिख रहा है ये, पर फील्ड प्रेजेंट है। क्या आपको ग्रेविटेशन फील्ड दिखता है? नहीं दिखता, वो तो पत्थर गिर के पता लगता है कि पत्थर नीचे गिरा तो फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि उस फील्ड की वजह से फोर्स लगी और फोर्स से पत्थर नीचे गिरा। तो हम क्या करते हैं, ना तो ग्रेविटेशन फील्ड दिखता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, ना मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, लेकिन मुझे दिखाना है कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी हैं, ये रियलिटी में कुछ नहीं होता। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट या कर्व्ड कैसी भी। तो अगर ये लाइंस हैं तो ये शो कर रही है कि यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है। तो आज के बाद मेरे को यहाँ चार्जेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं लाइनें खींच दूंगा। इसका मतलब ये चार्ज प्लेट्स हैं और फील्ड बीच में प्रेजेंट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? दो तरीके हैं ना, या तो मैं चार्ज बनाऊं और बीच में कुछ ना ड्रॉ करूं तो फील्ड प्रेजेंट है, या मैं चार्ज हटा दूं, लाइनें ड्रॉ कर दूं, फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब दीवारों पे चार्जेस हैं। अब ये लाइंस ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि रियलिटी में तो है नहीं, इमेजिनरी है। इनके कुछ रूल्स हैं जिसने बनाई ये लाइंस, जिसने ये इन्वेंट की भी हाँ ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसने कुछ रूल्स भी बनाए। वो रूल्स हमने आज स्टडी करने हैं। तो पहला रूल तो यही है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। तभी आप देख रहे होंगे एरो में हमेशा राइट ड्रॉ कर रहा हूँ, एरो लेफ्ट भी हो सकता था। तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, इनका रूल है, पहला रूल है। तो डिफाइन कैसे करना है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन्स मे बी डिफाइंड एज अ पाथ, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, लाइनें रास्ता होती हैं। स्ट्रेट या कर्व्ड, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये कर्व्ड भी हो सकती है, कैसी भी है। सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब कि अगर सपोज करो ये स्ट्रेट है और मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, ये लाइन ले ली मैंने एक, इसके ऊपर एक मैंने पॉइंट ले लिया, पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट मैं राइट की तरफ लूंगा क्योंकि लाइन राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट नहीं लूंगा। तो अगर मैं राइट टेंजेंट लूंगा ऑब्वियसली स्ट्रेट ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट स्ट्रेट ही बनेगा। तो स्ट्रेट जो टेंजेंट बनेगा ये आपको डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। तो आप कहीं भी ड्रॉ कर लें, आप इसके ऊपर यहाँ पॉइंट ले लें और मुझसे पूछें कि यहाँ पर ई की डायरेक्शन क्या है, तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, तो मैं कहूँगा ये ई की डायरेक्शन है। यहाँ ड्रॉ कर लें, ये ई की डायरेक्शन है। अब जिन जिन जगहों पर ये लाइंस स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, जैसे ये कर्व्ड है, तो उनमें क्या होगा? तो अगर ये कर्व्ड है, तो अगर आपका ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर यहां पर डायरेक्शन निकालनी है तो ड्रॉ अ टेंजेंट, तो ये डायरेक्शन मिलेगी क्यू पॉइंट पे। तो रूल यही है, अगर आपको स्ट्रेट दिख रही है ड्रॉ अ टेंजेंट, स्ट्रेट टेंजेंट बनेगा। कर्व्ड है, ड्रॉ अ टेंजेंट, कर्व्ड टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर, ये रूल है। तो इसीलिए डिफाइन ठीक किया उसने, ये स्ट्रेट या कर्व्ड कैसा भी हो सकता है। टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसकी डायरेक्शन मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी हमें, ये इसका नेक्स्ट रूल है। तो पहला रूल क्या था, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। दूसरा, इन लाइन्स के ऊपर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी उस पॉइंट पे। नेक्स्ट है, तो ये चीज याद रखनी है क्या, कि ई का फॉर्मूला क्या होता था, एफ अपॉन क्यू हमने किया आज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जैसे आज के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर 10 न्यूटन पर कूलम गिवन है,
चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 2 कूलम गिवन है, वो कहेगा ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप फॉर्मूला लगा लेना एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, अभी हमने किया ये फॉर्मूला, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा 20 न्यूटन। मतलब कि एक फोर्स का तरीका निकालने का कूलम फोर्स 1/4 epsilon naught Q1 Q2 r2। अब आज के बाद एक और तरीका जिसमें आपको Q1 Q2 नहीं देगा, जिसमें आपको Q और E देगा, तो Q और E को मल्टीप्लाई करके भी फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि अब आज के चैप्टर के बाद कूलम लॉ खत्म ही है ऑलमोस्ट, अब आपको E के साथ काम करना है, आपको हर जगह पे E गिवन होगा और Q गिवन होगा, Q into E will give amount of force। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, याद रखना है, जैसे कोई पूछ ही लेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही, बिल्कुल करेगा, कितनी करेगा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो पहला रूल पॉजिटिव से नेगेटिव, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, क्यू इंटू ई फोर्स देगा, 3 चीज़ें हो गई इसमें सीखने वाली। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई सेम है, वो तो हमने पढ़ ही लिया था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म होंगी। अब किसने कहा ठीक है पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे ख़त्म होंगी, तो बना के दिखाओ। तो ये लो, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव है, तो ये मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो लाइन्स ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट हो रही हैं, ये गई बाहर, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, 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 बाहर की तरफ कहाँ जाएंगी? नेगेटिव। किसी का नेगेटिव तो है ही नहीं, तो कहाँ खत्म होंगी? भाई नेगेटिव यहाँ नहीं है, दुनिया में तो है, कहीं पड़ा होगा इससे दूर, दूर है, दूर का क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो आपने यहाँ लिख देना है इन्फिनिटी, ढूंढ लेगा अपने आप जहाँ से ढूंढने जाके, बात खत्म। आप ये नहीं कहेंगे खत्म हो गई, नहीं खत्म नहीं होती है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसी नेगेटिव चार्ज में ये लाइन्स एंटर करती हैं, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? नेगेटिव में एंट्री दिखाएंगे, इसकी नेगेटिव में एंटर कर रही है, कहाँ से? पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव तो आसपास है नहीं, नहीं है तो बोल देना बहुत दूर से पॉजिटिव से आ रही है, और बहुत दूर को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, ठीक है यहाँ तक? तो इसका पहला रूल है, अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है, तो अगर पॉजिटिव भी प्रेजेंट है नेगेटिव, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट दैट पॉइंट। कर लिया आपने, अगर ये लाइन टेढ़ी जा रही है, आप यहाँ पर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी, तो ये तो प्रॉपर्टी हमने कर ही ली। नेक्स्ट है कोई भी फील्ड लाइंस दो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं ये प्लेट्स लूँ जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक लाइन ये जा रही थी, दूसरी लाइन ये जा रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कभी होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस केस में ये एक कॉमन पॉइंट निकल आएगा, इंटरसेक्ट का कॉमन पॉइंट आ गया। अब ये लाइन कहती है मेरे ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूंगी, ये रही, ठीक है बना दिया। ये लाइन कहती है नहीं नहीं मेरे ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूंगी इस तरफ। अब एक पॉइंट पर किसकी बात माननी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ऊपर है कि नीचे है? एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी फिर दोनों लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन तो एक ही पॉसिबल है। तो यही लिखा हुआ है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट पी देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री से ओरिजिनेट होती हैं और 90 डिग्री पे ही ख़त्म होती हैं। जैसे ये ख़त्म हो रही है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री पे जाएंगी, और ये स्टार्ट हो रही है 90 से ही स्टार्ट हो रही है।
रास्ते में टेढ़ी हो जाए, होना पड़ेगा टेढ़ा, क्योंकि स्ट्रेट जाएंगी तो 90 बनेगा नहीं, तो 90 से स्टार्ट हो गए 90 पे, तो रास्ते में कर्व हो जाएंगी, लेकिन 90 से स्टार्ट होंगी 90 पे ही खत्म होगी। ये भी क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो उधर भी चेक कर लो, 90 से स्टार्ट होंगी 90 पे खत्म होंगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, रिंग नहीं बनाएगी कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा गोल चक्कर नहीं बना सकती। क्यों? पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे खत्म होगी। अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे रख दिया, वो आपस में कैंसिल ही कर जाएगा, तो लाइन किसकी ड्रॉ करोगे? अच्छा, पॉजिटिव बड़ा कर दूं, दो पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, वो फिर कैंसिल कर जाएंगे। टू पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो फिर पॉजिटिव बच गया, एक ही चार्ज बचा, तो लाइन कैसे बनेगी क्लोज्ड? तो क्लोज लूप कभी भी नहीं बनेगी, एक जगह से स्टार्ट होगी दूसरी जगह पर एंड होगी। ठीक है यहाँ तक? क्योंकि एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है, इन चार्ज फ्री रीजन, मतलब जिस रीजन में चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट ब्रेक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉन्टिन्यूस कर्व इंपॉर्टेंट है, ये आता है प्रॉपर्टी में। कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं विदाउट ब्रेक्स, मतलब कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, ये पॉजिटिव से नेगेटिव लाइन जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपने लाइन ड्रॉ करनी शुरू की फिर छोड़ छोड़ ब्रेक होगी, छोड़ यार यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रेक है, ऐसे ब्रेकें अलाउड नहीं है कि कुछ भी बंद कर दिया हवा में फिर हवा शुरू कर दिया, नहीं, एक बार पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे ही लैंड करवाना है, ब्रेक नहीं है बीच में, कॉन्टिन्यूसली चलेंगी है। ठीक है यहाँ तक? तो अगर ये हवा में चार्ज फ्री रीजन है, ये हवा में कोई चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव एंड करेंगी, ये कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती है। ठीक है यहाँ तक? तो क्या मतलब है कॉन्टिन्यूस कर्व का? बीच में ब्रेक नहीं करेगी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। मतलब अगर आपके पास प्लस चार्ज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज छोटा है, जैसे सपोज करो ये प्लस चार्ज है, इसकी वैल्यू 2 कूलम है, तो लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ की, ये लो एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू 10 कूलम है, अब मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा शो करनी है, मतलब मोर चार्ज मोर लाइंस मोर फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो कहने का मतलब जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा लाइनें उतनी ही ज़्यादा उसमें से ऑरिजिनेट होंगी, और लाइन चार्ज इतना स्ट्रांग होगा नेगेटिव, लाइन एंट्री उतनी ज़्यादा होगी। अगर कम लाइनें निकल रही हैं तो चार्ज वीक है, छोटा चार्ज है, ज़्यादा लाइनें निकल रही हैं चार्ज स्ट्रांग है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है, अगर स्पेसिंग लाइंस के बीच में बराबर है तो फील्ड कांस्टेंट है, मतलब आप कोई पॉइंट यहाँ लो या यहाँ लो, जहाँ मर्जी ले लो, ई की वैल्यू सेम रहेगी, पर लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग पास पास है, यहाँ स्पेसिंग दूर दूर है, अगर स्पेसिंग पास पास है तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, स्पेसिंग दूर दूर है यहाँ पर फील्ड वीक है। जैसे इसमें x पे स्ट्रांग है y पे वीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने लाइंस ड्रॉ करनी शुरू की कुछ ऐसे, ये रही इन्फिनिटी तक जा रही है। आप नोट करो कि जब ये लाइंस मैंने ड्रॉ की तो यहाँ पर शुरू में स्पेसिंग काफ़ी नज़दीक है, दूर जाके स्पेसिंग काफ़ी बड़ी हो गई, यानी कि फील्ड दूर जाके क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, और पास में स्पेसिंग क्लोज है तो फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जितनी क्लोज लाइंस होंगी फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर दूर होंगी फील्ड वीक होगा, स्ट्रेट होंगी तो फील्ड कॉन्स्टेंट होगा। अगर ई की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो हर जगह यहाँ पर 10 10 10 मिलेगी। क्लियर? तो इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है।